हेलो सबको। तो ये इस ब्लॉग का फाइनल पार्ट है, जिसमें पूजा वाला ये फाइनल पार्ट है। इसमें रुद्राभिषेक पूरा देखने को मिलेगा एंड उसके बाद में आरती, सभी भगवान की जिनकी जिनकी पूजा हुई, सत्यनारायण पूजा, उससे पहले सताईसा पूजा, उसके बाद में फाइनल में सबकी आरती होगी एंड उसके बाद लास्ट में हवन होगा। ये पूरा देखने अच्छे से मिलेगा। ये वीडियो बहुत स्पेशल है, बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ इसमें डिटेल में देखने मिलेगा कि कैसे हमने शिव जी को, भोलेनाथ को, शिवलिंग को नहलाया है, धुलाया है, फिर उनकी पूजा अर्चना की है, सब डिटेल में है। मैंने पहली बार ये सब किया, मुझे बड़ी खुशी है इस चीज़ की। सो ये ब्लॉग बहुत स्पेशल है, आई होप आप लोग को भी अच्छा लगे। झाड़ी विनायक पूजा में आई के आसन लीजे, मूसक वाहन झाड़ी विनायक पूजा में आई के आसन लीजे। जय गणनायक सिद्धि विनायक मंगलदायक मोक्ष प्रदाता हो तुम ही। चरा प्राण शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति यहाँ से शुरू हो रही है भोलेनाथ की पूजा। रुद्राभिषेक का प्रोसीजर, इसमें सबसे पहले भोलेनाथ को नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, मतलब उन पे चढ़ा हुआ जितना फूल पुष्प सब कुछ था, वो सब कुछ हमें ही साफ़ करना है। उनको अच्छे से रगड़ रगड़ के नहलाना है। इससे भोलेनाथ बहुत खुश होते हैं। ये सब करते हुए, जानते हुए मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि फर्स्ट टाइम मैं ऐसे कर रही थी। सब प्रॉपर क्लीनिंग वगैरह, दूध से नहलाया जा रहा था, जल से नहलाया जा रहा था, भस्म से, बहुत चीज़ों से, घी से, क्या क्या चीज़ें सब थी, उस सब से भोलेनाथ को नहलाया जा रहा था। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था ये। सदाशिवाय नमः। पयस्नानं समर्पयामि। ॐ हर हर महादेव। थोड़ा सा निकाल लीजिए, हम सब दे दीजिए। उनका मालिश करो, जैसे बताएंगे पंडित जी, पूछिए जहाँ से करेंगे। ठीक है, मालिश करो ना, एकदम मालिश करिए। हम मालिश करो जितना, हाँ जितने मालिश जितने होगा खुश होगा। मलिए मलिए सब गुड़ा। ओम दधि गर्भाणो आकार कमृष्णवे वजिनं रवेणो गागतपणगायुगं निशारिणो। श्रीशाम सदाशिवाय नमः। पयस्नानं समर्पयामि। महिला हो चाहे पुरुष हो, शालिग्राम को महिला नहीं छुएगी। जितना मन हो उतना मोला उनका सेवा कर। एक बार हमरा बड़को बेटा के करा दे। हां एकदम करा दिया। ये लेके दे। इनका दर्शन नहीं हो रहा है तो इधर आ। ओम मधुवा तारिताय मधुसरंति सिंधव महादेव तांबुल कादि मधुपिता मधुवादि भवम गजह। ऋषाम सदा देवघर में मनाने में पूजा में ऊपर मौका मिला है। बाकी लोग सुधार पूजा रखता है। कितनो वीआईपी आप हैं, संसार के जज है। जगदीश
भवानी पदमानी ग्रहण परिपाटी फलं नवे ज्ञानपेक्षा सति मुखे शुभेच्छापि न पुनः अतः त्वं सञ्जाते जननि जननं जातु मम वेदानि जपतः ऋतं त्रिपुरणं ृतम्पापसङ्गारं वेलोपदं शिवार्पणम् मन्दारमालालुकालकाये कपालमालाभितशेखराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय खुदीरा आयुध पूर्व में समंत प्रजनन तनवे मन शिव संकल्प वस्तु यत प्रज्ञानमत चेतो गृतस्य जन्ते तमृतम चासु यस्मानरिते चनम करते तनवे मन शिव संकल्प वस्तु एतम भूतम भवन भविष्यति परिकृतम अमृतेन सर्वमेन एकस्तते तोता तनवे मन शिव संकल्प वस्तु यस्मिन् इति साम्य दुःखं की जस्मिन् प्रतिचारतन भविवाराय समिशचितकं सर्वमोतम प्रजनन तरमे मन शिव संकल्पवाजिन हत प्रसिद्ध जीरम जिसम तरमे मन शिव संकल्प मस्तु शिव काशे 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 शिव 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 साचम शिव साचम सत्यम सत्यम शिव शिव हरिम सहस्र काबल कर सहस्राक्षर सहस्र पाता सब भूमि कुमरत सहस्र ब्रह्म पुरकाई में जगम सर्व यद भूतम यक्ष भवतामर्त से सामदनेना तिरो हति तावानस्य महिमा तो जायस्य पुरुक पादस्य विश्व भूतानि त्रिपादश अमृतम दिवि त्रिपाद उदयत पुरुक पादस्य भवत पुन ततो वेकं कर्मां तनो सनि अभि ततो विराट जायत विराज अधि पुरुक सजात त्रसन सब कुछ है तेरा।
गाइस यहाँ पे बाबू ने भी हवन किया, उसी के हाथ से पहली बार शुरुआत हुई हवन की। मतलब मुझे इतनी खुशी होती है सोच के कि इतनी छोटी सी वो है, 2 महीने की भी नहीं थी जब ये हवन हुआ, और उसने अपने हाथ से नन्हे नन्हे हाथों से पूजा सबकी शुरुआत की। मतलब कितना प्यारा लगता है ये चीज़ कि इतनी छोटी उम्र में सब कुछ उसको अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही है करने के लिए, इतनी जगह घूम रही है, पूरा ट्रैवल कर रही है इतनी सी उम्र में ही, तो बड़ा अच्छा लगता है सब देख के। नंदद्वारं धराधरसाम अच्छता सुश्रेष्ठ कुंकुमार्कता सुशोभिताः मल्यादिनी सुगंधिनी मालत्वा जिनवे प्रभु व्याहृतानि पूज्यार्थं पुष्पाणि प्रतिगृहतां मह। सो गाइस ये था पूरा पूजा का ब्लॉग, 27वां पूजा का ये 3 पार्ट में आया, जिसको मैंने बहुत ज़्यादा कट करके एडिट करके शॉर्ट बनाया, नहीं तो पूजा तो बहुत पूरे दिन का था। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद में आपको ब्लॉग्स देखने मिलेंगे मेरे घर में, मैंने क्या क्या किया, कैसे मैं रहती हूँ, क्या रूटीन रहता है, थोड़ा बहुत जो भी मैं ब्लॉग कर पाई हूँ वो देखने मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।